तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब यार हैकर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये वाले मैच में जो हमको हैकर मिला ना, वो अभी तक का सबसे डरपोक और सिक्योरिटी वाला हैकर था। मतलब बंदे के पास सिर्फ एमबोर्ड नहीं था, बाकी हर एक चीज़ थी। और इतना सिक्योर हैकर, मतलब एक शेक के अंदर दरवाज़ा बंद करके वहीं से लोगों को पेल रहा था भाई साहब, उसने पूरे सर्वर में तबाही मचा दी थी। खैर मेरे से भी उसकी आखिरी में फाइट होती है, और वहाँ पे क्या हुआ था वो तो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। फिलहाल पहले पोचिंग उतरे हैं और यहाँ पर फिलहाल इस वाले घर में बंदा है। अब देखो क्या होता है। अब यार एक पल के लिए दोनों के एम जरूर चुक गए थे, लेकिन फाइनली यार इसको मार दिया। उसका क्रेट पता नहीं कहाँ चला गया है, वैसे ऐसा बहुत कम होता है। फिलहाल जो है जब मैं इस घर में आता हूँ तो एक भाई साहब हमारा पीछा करते करते यही वाले घर में आ जाते हैं। अब जैसे वो सीढ़ी की तरफ आता है तो उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन वो आगे आता ही नहीं है। थोड़ा चालाक बंदा था, वहीं पर डीपीपी लेने लग गया, तो हमने भी पीछे से लगाई छलांग और देखो कैसे भरा। और ये भाई साहब भी पेल दिए गए। फिलहाल इसके बाद जो है अब जो सीन होने वाला है ना, उसको आप ध्यान से देखना। यहाँ से हम ले लेते हैं फिलहाल एक कैम। सबसे पहले तो भैया लूट ले लो, और लूट के बाद ही सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे आता हूँ तो मुझे सामने वाले घर में एक बंदा दिखता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेट कुक करता हूँ और नेट फेंकता हूँ। अब आप सोचो क्या होने वाला है आगे। पता नहीं कहाँ से लेकिन मुझे एक साथ दो किल मिले। आप किल फीट देख सकते हो, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों एक सामने बैठ के कर क्या रहे थे। फिलहाल एक ही क्रेट ये है और दूसरा बहुत गंदे में रही है दोनों। उसके बाद यार एक और नेड आपको बहुत ही सही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दो बंदे फाइट कर रहे थे, ठीक है। अब वो बंदा जो है शायद दूसरे वाले बंदे के साथ लगा हुआ था, और मैंने पीछे से नेड फेंक दिया, और ये वाले भाई साहब तो गए। लेकिन अब जिसके साथ ये लगा हुआ था, अब बारी है उसकी। वो बंदा था ये वाले घर में, अब देखो उसको भी कैसे मारते हैं। अब यार एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो नेट से बच कैसे गया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा और वो हील कर रहा होगा, तो इसी का फ़ायदा उठा के मैंने जो है बिल्कुल पुश कर दिया। और वाकई वो फर्स्ट एड लगा ही रहा था, हालांकि लगी नहीं थी, बस थोड़ा सा रह गया था। लग जाते तो शायद वो फिर से टीपीपी लेता और मेरे को पेल देता। उसके बाद इस वाली तरफ आ जाते हैं हम सड़क पार करके, और यहाँ पर भी फाइट चल रही होती, तो चलो इनको भी ख़त्म करते हैं। अब फिलहाल जो ये बंदा डैमेज था तो इसलिए इसको ईजिली मार दिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ से लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदा मारा जिसने भी मारा। मैं करता हूँ यहाँ पे हील करने के बाद जो है तुरंत उस बंदे पे पुश कर देता हूँ। अब वो बंदा उस वाली साइड रहता है, इसलिए जो है सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक नेट कुक कर देता हूँ। और वो सामने वाले घर में रहता है तो मैं समझता हूँ कि वो ऊपर छत पर आएगा, इसलिए मैं दरवाजे पर नेट फेंकता हूँ ताकि जैसे वो दरवाज़ा खुले सीधा फट जाए। लेकिन वो बंदा जो है नेट का टप्पा सुनते ही जो है पीछे की तरफ कूद के ट्राली के पीछे चला जाता है। अब देखो यहाँ से क्या सीन करके मारते हैं उसको, और ये सीन देख के लाइक ज़रूर करना गाइस। और फाइनली यार ये वाला बंदा भी मारा गया। अब देखो एक तरफ हैकर था जो लॉबी खाली कर रहा था, और अब मुझे यहाँ से लग ही गया था कि कोई ना कोई तो कुछ गड़बड़ है ये वाले मैच में। एकदम लॉबी बहुत ही जल्दी जल्दी खाली हो रही थी। अब इतने में एक और भाई साहब शो होते हैं मेरे को, जो कि उस तरफ भाग जाते हैं। अब मेरे को लगता है कि वो रेल बंदा है, गाड़ी लेने जा रहा है, तो जल्दी से उसको दबोच देते इससे पहले कि वो गाड़ी लेके चला जाए। वो इस घर में छुप जाता है कहीं पर और इसको मार देते हैं। लेकिन ये भाई साहब तो निकलते हैं बहुत। उसके बाद जब हम ऐसे जा रहे होते हैं जॉर्जिया पुल के लिए, तो पीछे से भैया एक बंदा टोक देता है। अब देखो कैसे भरते हैं उसको, लेकिन वो बंदा थोड़ा सा स्मार्ट निकला। अब यार मेरे को 110% पता था कि ये वाला बंदा जो है पक्का कूदेगा ऊपर से मेरे को मारने के लिए। थोड़ा सा एग्रेसिव था ये बंदा, इसलिए मैंने उतरते ही सबसे पहले तो ऊपर देखा और ये वाकई में कूद गया। अब सामने कोई बंदा भागता हुआ दिखाई देता है, मैं समझता हूँ बॉट है भैया गाड़ी से उतर के मारेंगे। अब यहाँ पर मैं करता हूँ थोड़ा सा जो है चालाकी करने की कोशिश करता हूँ स्टंट मारने की, लेकिन भैया वो तो निकलता है असली बंदा, और वो तो अच्छा हुआ भैया थोड़ा एंगल हिल गया था, लेकिन फाइनली जो है उसको मार ही दिया। खैर रोजों में भी ऐसा ही होता है, एक भाई साहब पता नहीं किस पर फायर कर रहे होते हैं। अब देखो कैसे भरते हैं उनको। मुझे पता था यार ये थोड़ा सा बंदा जो है ढीला सा है, तो इसको इजीली जाके मारा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसे ही बस पुश कर दिया और फेंक दिया उसको। और यार ये वाला तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं। खैर इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकल लेते अपन, और ये वाली बगी के पीछे आ जाते हैं। अब इस बगी का पीछा मैं बिल्कुल रोज़ों से कर रहा था, मतलब बगी वालों का पीछा करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर भी सेम।
इससे पहले कि वो समझ पाए ये उतर के गया कहाँ, मैंने जो है सीट चेंज करके मार दिया। और यहाँ पर भी भैया वही हुआ, सीट चेंज करने पर जो जायरोस्कोप वाले होते हैं उनका एंगल जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, बाकी सब सही रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की भी रहता है अगर जब तक आपका एम एम गड़बड़ा जाए। खैर उसके बाद यहाँ पर लूट रहे होते तो भैया दूर से पड़ती हमको, अब देखो कैसे पड़ जाते उसको भी। वो बंदा जो है मिनी 14 लेके 8x लगा के यहाँ पे पेल रहा था मेरे को, अब हम भी थोड़ा सा उसको 4x का स्प्रे देते हैं यहाँ पे से। अब यार M4 में मेरा कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम खाली M4 थी सिवाय बस एक एक्सटेंडेड मैक की, इसलिए भैया इसका रिकॉइल कंट्रोल करना जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी जो उसको 40 में से एक दो बुलेट तो लगी होंगी शायद। अब यार वो बंदा वहाँ से कूदता है और अपनी गाड़ी लेके निकल लेता है, और जब तक मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो बंदा भाग लेता है वहाँ से। फिलहाल जो है वहाँ जाते हैं ये वाले ड्रॉप पे, और यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो रखी होती है। अब देखो जिसने फाइट में जीता था जो बंदा, अब उसको कैसे बजाते हैं, और जिस बंदे को उस बंदे ने मारा था वो उसकी क्रेट लूट रहा था शायद, तो जाके देखना पड़ेगा वहाँ पे। एंड वहाँ से पक्का हमको कोई बढ़िया गन मिलने वाली है तो जिससे हम हैकर को भी मार पाएंगे। फिलहाल जो है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, यहाँ पे इसने एक बंदे को मारा था और उसी की क्रेट लूट रहा था। खैर कोई हमको ना बजा दे इसके लिए इसकी ग्रोजा लेके हम जो है यहाँ से निकल लेते हैं टाइम सर। अब यहाँ तक मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस वाले मैच में हैकर है, और अब आगे जाके मुझे पता चलने वाला है कि ये वाले मैच में एक हैकर है। तो यार ये वाला किल था ना जो, ये मतलब बहुत ही सेटिस्फाई करने वाला था, और ये पहला स्टंट था जो बिल्कुल सक्सेस हुआ, मतलब सीट चेंज करी बिना एंगल हिलाए हुए सीधा बंदे को ख़त्म कर दिया। तो इस बात पे तो लाइक बनता है, नहीं लाइक नहीं बिल्कुल सब्सक्राइब करना। खैर यहाँ से गुजरते समय फिर से एक बंदा मुझको जो है पिक करता हुआ दिखाई देता है, अब देखना उस बंदे को भी कुछ सुधबुद्धि नहीं थी, मैंने नेट खींचा और फेंक दिया। और पहले तो वो खड़ा रहा लेकिन जैसे नेट गिरा उसने पीछे को भागने की ट्राई जरूर करी, लेकिन अब कहाँ लास्ट सेकंड नेट फेंका था मैंने, और जो कि तुरंत जाते फट गया, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वहाँ पे। अब यहाँ से होता है भैया हैकर वाला सीन स्टार्ट। अब देखो जरा गेम को थोड़ा सा ध्यान से, अब इसकी मेरी क्या फाइट चल रही थी यार, मस्त फाइट। अब देखना हैकर ने उसको कितनी दूर से मार दिया, मुझे तो उसकी गन की आवाज़ भी नहीं आई। अब जब यहाँ पे मेरे को बुलेट पड़ना स्टार्ट होती है मैं समझ जाता हूँ कि भैया हैकर है, पक्का गारंटी हैकर है, क्योंकि सामने देखो कितनी ऊंची रिज है और उसके आगे एक शैक होगा, तो वो उस शैक के अंदर से बैठा बैठा उसको मार दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अब मेरे को पता था यहाँ से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, दो ही बंदे बचे हैं, एक मैं और एक वो हैकर, तो वो मुझे मारने के लिए कुछ भी करेगा। और सर्वर मतलब जो सर्कल देखोगे ना बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पे कोई चांस नहीं था मेरे को बचने का, तो मैं क्या करता हूँ स्मोक कर देता हूँ। हम मुझे पता यार उस बंदे के पास एम बोट नहीं था, अगर एम बोट होता तो ये जो बुलेट थी ना ये पेड़ पे नहीं लगती, ये डायरेक्ट मेरे सर पे आके लगती और मैं शायद मर भी गया होता। बट उसके पास सिर्फ वॉल हैक था, यानी कि वो सिर्फ आर पार मार सकता था और बाकी चीज़ें कर सकता था। यहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया, और सबसे पहले मुझे चाहिए थी चार दीवारी, क्योंकि वॉल हैक से अगर आपको बचना है ना तो आपको चार दीवारी चाहिए रहेंगी, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाली थी चार दीवारी। अब यहाँ पे मैं ट्रिपल दीवार के पीछे था, अब मैं आपको दिखाता हूँ, सामने आपको एक शैक दिख रहा होगा और यहाँ से मैं आपको शैक का दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बंद है, लेकिन जो फायर है वो बिल्कुल सीधी जगह पे आ रहा है जहाँ पे मैं हूँ। अब मैं जानबूझ के ओपन में जा रहा था, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा था कि वो बंदा जो है किस लेवल तक मार सकता है, अगर उसके पास यहाँ पे एम बोट होगा तो वो दीवार के आर पार भी मार देगा और मैं मर भी जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हार मान लेता हूँ और उछलने लग जाता हूँ ताकि वो देख ले, लेकिन वो थोड़ा सा शरीफ हैकर होता है, मतलब एक हैकर होता है ना जिसको कुछ समझ नहीं होती, मतलब बस उसको मारने से मतलब है, तो वो थोड़ा सा शरीफ टाइप का हैकर था, बस मारे जा रहा था और थोड़ा सा नूब टाइप का हैकर भी आप बोल सकते हो, मतलब कोई बढ़िया सा हैकर होता ना कब का आके मार जाता मेरे को। फिलहाल जो उसको मैं सोचता हूँ कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसका जो है एमओ ख़त्म करवा दूंगा, और फिर तो एमओ बचेगी नहीं तो कैसे मारेगा वो मेरे को, तो ऐसे कर करके मैं उसका जो है एमओ ख़त्म करवाता हूँ। लेकिन जब उसका एमओ ख़त्म होने लग जाता है ना, वो बंदा धीरे धीरे मेरे क्लोज आने लगता है। अब मेरी फट गई थी बिल्कुल, अब मैं बिल्कुल मतलब अब देखना यहाँ पर देखना,
देखते रहो जब, बस देखो अब बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे फायर कर रहा है जहाँ पे मैं हूँ दीवार के पीछे। अब मैं और दीवारों को कवर लेके और पीछे आ गया था, लेकिन वो भी मेरे पीछा करते करते मेरे बहुत क्लोज आ गए। अभी भी मैं बार बार इधर उधर हिलने जुलने लगा क्योंकि उसके पास वॉल हैक है, और वॉल हैक के पीछे वो एक जगह पे अगर खड़ा रहूँगा तो वो एम लेके मार ही देगा, और वॉल के पीछे अगर जो वॉल हैक लगा था तो कुछ कुछ बुलेट उसकी आर पार जाती है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए हिलते रहोगे तो बचे रहोगे। हाँ वो फ्लैंक करने की कोशिश करता है लेकिन मैं नेट फेंक देता हूँ, वो भाग के फिर से पीछे चला जाता है। फिर से वो एक बार आने की ट्राई करता है उधर से, तो मैं फिर से एक नेट फेंक देता हूँ। अब वो सब देख सकता था वॉल के आर पार, इसलिए वो नेट को देखते ही वापस पीछे भाग जाता है। यहाँ पे फिलहाल अब मेरे को लग रहा था कि बस अब मौत आने ही वाली है, नहीं जीत सकता मैं। अब आपको क्या लगता है वो बताना, यहाँ पे क्या आने वाला है सरप्राइज़ है आपके लिए, बहुत ही आगे एक आपको अजीब चीज़ देखने को मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब करना अगर सही लगे। फिलहाल ऐसे मैं नेट फेंक देता हूँ, वो नेट इतना एग्जैक्ट था ना कि उसको डैमेज कर गया, वो वहीं पर खड़ा था और डैमेज हो गया तो वो घबरा गया और वो बिल्कुल आगे आ गया। अभी जो नेट फूटा ना इसने उसको डैमेज कर दिया और फाइनली मैंने उछल के जो उसको मार दिया। अब उसके स्टैट्स दिखाता हूँ, ये उसके स्टैट्स, इसका हेडशॉट परसेंट देखो 53%, केडी 31, मतलब इसी सीजन का हैकर है ये, और जस्ट इसने हैक करना स्टार्ट ही किया है। तो यार होप आपने इन्जॉय किया होगा ये वाला वीडियो, फुल ऑन इन्जॉय किया होगा, और ये मोमेंट पहली बार था जब मैंने किसी हैकर को मारा है, शायद इसके पहले भी मारा होगा लेकिन शायद याद नहीं रहेगा। एंड इन्जॉय करा होगा तो यार लाइक करना वीडियो को, एंड हाँ सब्सक्राइब करना क्योंकि तुम्हारे भाई का चैनल है, तो करना यार जिंदे भी इन्जॉय कराओ सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ हैकिंग दिखा के मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं, इसको एज ए एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया मैंने, ना कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो चीज़ दिखाई मैंने, ना कि मैं इसको एज ए प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ हैक करो। तो होप आपको समझ आ गया होगा, एंड मिलते हैं ना एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।